थोड़ा देखते हैं क्या है। तो अभी है हम दूसरी मंजिल पे बायोटेक्नोलॉजी, तो चलिए अभी हम एंटर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, देखते हैं क्या है। आप एंटर करके लेफ्ट साइड में आता तो देखिए प्रीमेटिव टेक्निक, ट्राई करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कनाडा इंग्लिश, अर्ली मेथड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, बुक है भाई का, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक, अभी जाते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। एक्चुअली एक स्पेस है जहाँ पे आपको इस साइड से एंटर करके यहाँ पर आके अपना फेस रखना है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा वो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। स्पेस स्पिन ऑप्स लिखा हुआ है और यहाँ हमारे सामने कुछ है। यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, तो देखिए यहाँ पे स्पेस सूट भी है। फ्रेम स्पेस में कौन कौन से फूड खाते हैं देखो यहाँ पे मेंशन किया है लोगों ने। फूड्स है स्पेस में, I don't know.
आइसक्रीम भी है। ये लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह के फूड स्पेस में यूज़ करते हैं खाते हैं। आप म्यूज़ियम में आते हो तो थोड़ा आपको गाइडेंस के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ये सब स्टेयरकेस से ऊपर आओगे तो आप यहाँ पे ये सब बोर्ड लगा हुआ है। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर जो कि कैफेटेरिया है। तो अभी हम जो है सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, अभी हम जाते हैं थर्ड फ्लोर पे। चलो अगर आप यहाँ पे आते हो तो लगभग एटलीस्ट आपको यहाँ पे 3 घंटा आपको यहाँ पे देना ही होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, 3 फ्लोर है यहाँ पे। तो अगर आप 3 फ्लोर पे आप दोगे तो आप अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाओगे। तो ये लास्ट है बेल हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए अभी एंटर करते हैं। जब आप एंटर करोगे तो कुछ इस तरह से दिखता है। राइट साइड में देखिए ऐसा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्लीनिंग स्टेशन है, चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डोरबेल, डोरबेल बजा के देखे। ओके, कुछ इस तरह का डोरबेल है। एक्चुअली मैप है पूरा। विधानसभा क्या है, चलिए चलते देखते हैं क्या है यहाँ पे। साइंस फॉर किड्स, ऑब्वियसली लग तो ऐसे रहा है बच्चों के लिए। तो देखिए राइट साइड में ये है सीजन करके लिखा है इधर पर। डू यू नो हाउ टू ट्री अफेयर्स एंड डिफेंसेस। ओके, तो मतलब ये बताए कि जैसे सीजन टू सीजन वाइज कैसे ट्री चेंज होता है, तो ये वो है। ठीक है, देखो अब ये पता नहीं कौन सा है, शायद ये बारिश का मौसम होगा और ये शायद ये समर का मौसम होगा, गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में ट्री कैसा हो रहा है चेंज। ओ चलो मैं पूरा करता हूँ, उसके बाद में आपको मिलता हूँ। बन गया कुछ इस तरह से, शायद समर का है या विंटर का पता नहीं, बट ऐसा कुछ बन गया, मैं पूरा चेंज कर दिया। तो चलिए अभी बढ़ते आगे। तो लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह का है। सेंस ऑफ स्मेल, तो कितना अच्छा बनाया ना, बोलो अब बच्चे लोग को पसंद नहीं आएगा, डेफिनेटली पसंद आएगा। तो यहाँ पे क्या है, चानी जैस्मिन चंपक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी स्टार्टेड ही है जैस्मिन। ओके, जैस्मिन पे क्लिक करने के बाद जैस्मिन का शायद फ्लावर्स आ गए यहाँ पे। और अब हम चेक करते थे, हम बल उठ रहे हैं, अब चेक करते हैं चंपक। अरे क्या चेंज हो, अच्छा है ना, कितना प्यारा लग रहा, देखो टच एंड फील, कॉल ऑफ एनिमल्स, कितना अच्छा है ना बच्चों के लिए, मेरे को तो बहुत पसंद आया। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देखो कुछ इस तरह से आवाज़ आ रहा है, एनिमल साउंड। गेस द, यहाँ पे आ रहा है बच्चों के लिए, गेस द एनिमल साउंड। चलो देखते हैं सामने क्या है।
चलो क्लियर, हम लोग नहीं जाएंगे। रखेंगे ऐसा ड्रम, ऐसा लगता है। ऐसे घूम रहा था उसको, मैंने ऊपर से छोड़ा था नीचे तक। एक और अलग चीज़ दिखाता हूँ बच्चों के सेक्शन में जो है टॉप पे, थोड़ा देखिए अभी पाए। ज़्यादा फास्ट भाग रहे थे बच्चों के लिए, अच्छा है ना। तो दोस्तों बच्चों को लेके आप ज़रूर आइएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, उनको कुछ नॉलेज भी मिलेगा उनके खेलने के लिए। एक अलग से फ्लोर भी है, सेक्शन भी है, तो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर किड्स हियर। लगभग मेरे को हो गया यहाँ पर आके 3 आवर्स हो गया, तो मुझे लगा कि मैं 1.5 घंटे में शायद चला जाऊँगा, बट जैसे जैसे मैं देखते गया मुझे पता ही नहीं चला कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज ब्लॉग इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।